हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 अगस्त और आप सबको इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। कल रात 12 बजे के बाद हम निकले हुए थे, तो मैंने छोटा सा क्लिप अपनी एक वीडियो में शेयर किया था। बहुत अच्छी बाहर डेकोरेशंस थी, बहुत मज़ा आया था। तो हम भी थोड़ा सा गए थे, बच्चों को दिखाया था। तो बस आज ईद का थर्ड डे है, 14 अगस्त भी है, तो बस तकरीबन रूटीन जो है नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है। उसी तरह का ब्रेकफास्ट और बस जो रूटीन की चीज़ें होती हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, तो बस अब मैं यहाँ पे कर रही थी, अपनी चाय बना रही थी। तो चाय के बाद देखिए बाकी जो चीज़ें रूटीन की होनी है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो था बस वो इतनी मसरूफियत चल रही थी। जाहिर है जो भी कोई इस किस्म का, ये जो बड़ी ईद होती है ना, इस पर काफ़ी बिजी रह जाते हैं। काफ़ी जो होता है ना, बंदा बिजी रहता है और काफ़ी थक भी जाता है, काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। और क्लीनलीनेस, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ करनी पड़ती हैं। बस वो मेरी क्लीनिंग वाली बच्ची जो थी वो आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अगर वो फ्लोर वगैरह क्लीन कर रही है तो मैं जो बाकी चीज़ें जो मुझसे ओवरलुक हुई हुई थी ज़रा मैं वो कर लूँ। तो बेडशीट्स वगैरह ही मैं चेंज कर रही थी, तो सोचा कि अब यही आज मेरे पास टाइम है तो यही चीज़ें कर लूँ। वैसे भी मैं 4-5 दिन बाद बेडशीट जो है चेंज कर लेती हूँ। मैट्रेस हटा के मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो चीज़ों को, बेड को अच्छे से क्लीन कर लूँ। और सारा मैंने मैट्रेस को भी झाड़ लिया। और ये जो नीचे एक शीट, असल में ऐसा है कि मैं ना मैट्रेस के ऊपर एक और भी शीट डालती हूँ, बेडशीट मतलब सादा सी, क्योंकि उससे जो होता है ना आपका मैट्रेस भी महफूज रहता है और जो चादर आप डालते हैं वो भी जो होती है ना स्लिप नहीं होती, अच्छे से रहती है। तो बस ये चीज़ें मैंने काफ़ी ज़रा साइड पर कर दी ताकि वो अच्छे से क्लीन कर ले। और जो है फ्लोर वगैरह वैसे तो मैंने किया था, लेकिन फिर भी खुद से करना होता है। तो सोफ़े पे जो चादरें वगैरह डली हुई है, क्योंकि सोफ़ों का कलर आप देख सकते हैं बहुत लाइट है, तो बस इनको ही मैं झाड़ रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कुछ दिनों से बिल्कुल नहीं हो सकी थी। मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, फिर मुझे क्लीनिंग बहुत करनी थी, डिशेज़ बहुत करने वाली हो जाती थी, कुकिंग का काफ़ी काम था, गोश्त वगैरह संभालना, फिर थोड़ा आया गया भी हो गया जैसे गेस्ट वगैरह या ख़ुद आपने कहीं जाना होता है। तो आज फिर थोड़ा सा इसी तरह मैंने कहा कि इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये बेडशीट मैंने बिछा दी है जो नीचे वाली होती है, इससे जो है ना मैंने बताया ना ऊपर वाली बेडशीट इतनी मूव नहीं करती है, वो अच्छे से जमी रहती है, रिंकल्स नहीं आते। तो पिलोज़ भी मैं ऐसे करती हूँ, पिलोज़ के ऊपर ये मैंने देखे जो नॉर्मल कवर होता है उसके ऊपर एक और मैं कवर जो है प्लेन सिंपल सा सादा सा जो है ना वो करके अच्छे से उसके ऊपर फिर ये मैं जो है बेडशीट के साथ कर डालती हूँ। ये देखिए बड़ी अच्छी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, थोड़ी पुरानी बेडशीट है लेकिन ना ये बहुत अच्छी है, अभी तक बिल्कुल फ्रेश और न्यू है। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये कॉटन प्योर कॉटन है और बहुत अच्छी है। तो आजकल पता नहीं क्यों इतनी अच्छी बेडशीट्स नहीं आती, बड़े अजीब से प्रिंट्स होते हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ये बहुत सॉफ्ट भी है, और जब भी इसको बिछा दो इसकी नई सी एक लुक आती है। वैसे भी मुझे बहुत ओवर बोल्ड और फूल बूटे पटाखे वाली इतनी अच्छी नहीं लगती हैं मुझे, कंपैरेटिवली ये जो देखिए आप इसमें सिमेट्री है एक जैसा इसमें प्रिंट जा रहा है, तो यही अच्छी लगती है और सोबर भी लगती है डेली भी, और ये कभी भी आपका दिल नहीं खराब करती है, अच्छी लगती है। उसके बाद बस मेरा बेटा बैठा था, वो मुझे कह रहा था मेरे साथ खेलिए लूडो, तो देखिए उसको क्रिकेट इतनी पसंद है, वो अभी छोटा है, तो उसके लूडो पे भी सारे जो हैं वो क्रिकेटर्स जो हैं उनकी पिक्चर्स हैं। उधर तो शायद आप इसलिए बाकी होंगे, अब मुझे इतने नाम नहीं आते हैं, अब मैं पहले मुझे पता होता था, अब मुझे क्रिकेटर्स सबके नाम नहीं आते हैं, इन छोटे बच्चों का आजकल ज़्यादा पता होता है। तो यहाँ पे मैं ये मैंगो क्लीन कर रही थी, ये हमें किसी ने गिफ्ट भेजे थे मैंगोज़, जाते सीज़न के जो उन्होंने हमें सौगात भेजी, बहुत मीठे मैं खा चुकी हूँ, ये बहुत अच्छे निकले हैं, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ये हमें भेजे हैं। मेरे मामू ने बेसिकली ये भेजे हैं और भाई जो है मेरे कज़न भाई वो दे के उन्होंने दिए हैं, मेरे तक डिलीवर किए हैं और बहुत अच्छे थे, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्ला। और एक और बात मैं करना चाहूँगी, पहले तो मसरूफियत इतनी रही तो कुछ खबरें वगैरह देखी, फेसबुक पे भी देखा, इधर उधर नेट पे भी देखा, कश्मीर में बहुत बुरे हालात हैं, तो बड़ा दिल ख़राब हुआ है। काइंडली कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आजकल बन गया हुआ है, उसके थ्रू जो है हम मुस्लिम कम्युनिटी को चाहिए कि अपनी आवाज़ रेज करें और उनके लिए जो है उनकी भलाई के लिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है वो लोग। और मैं वही कहती हूँ जैसे आज 14 अगस्त है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम शुक्र है यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसलिए तो अल्लाह करे उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। और इस मौके पे तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस डे पे जो हमें आज़ादी है, सुकून का सांस है, इस नेमत का जो हमें अंदाज़ा हो रहा है
उसकी तरह ही हमें सोचना चाहिए कि वो लोग कितना तरस रहे हैं और उनके लिए कितना क्रूशियल टाइम है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब जो हैं जिसके हाथ में जो जो कुछ पॉसिबल है उनके लिए कुछ करना प्लीज़ करें और उनके लिए दुआ भी करें और जो है अपने ये सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा सकती है अल्लाह करे जाए और उनके लिए भला हो जाए। बस ये मैंगोज़ मैंने कहा धो के रख लूँ क्योंकि एक दफ़ा तो इनको पानी में सोख करना क्योंकि इनके अंदर मेडिसिन सी भी डली होती है तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए मैंने जो है ना मटन लिया था और मटन को मैंने बहुत अच्छे से जो है ना काफ़ी देर पानी में सोख करके रख दिया था और हाथों से अच्छी तरह रगड़ के जो भी उनके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत चर्बी एक्स्ट्रा या कुछ लगा था वो रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये मैंने अच्छे से 4-5-6 दफ़ा इनको अच्छे से पानी से रिंस किया है कि सारा जो ब्लड और कोई और भी अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा थी तो वो सब रिमूव हो जाए। तो बस मेरी तसल्ली इसी तरह होती है। मैंने इसको 4-5 दफ़ा अच्छे से क्लीन किया है। तो नमकीन गोश्ती बनाने लगी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कोई कोरमा वगैरह चीज़ें जो हैं उनको अच्छी नहीं लगती हैं इस गोश्त की। वो कहते हैं बस नमकीन गोश्त या भुना हुआ गोश्त कोई बनाओ क्योंकि शोरबे और ग्रेवी वाली वो कहते हैं कि इसकी मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से उसको क्लीन कर लिया है कि गोश्त का कलर ही ऑलमोस्ट सफ़ेद हो गया। आप देखिए बहुत नीटली मैंने उसको वॉश कर लिया है और साफ़ हो गया ये अच्छे से। चर्बी मैंने इसमें जो है ना खुद कुछ रहने दिए क्योंकि नमकीन गोश्त में ऑयल नहीं डलता और जो है उसी चर्बी में वो कुक होती है। तो ये गोश्त होता है कुर्बानी का वैसे भी थोड़ा जो नॉर्मल रूटीन का गोश्त होता है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। तो बस ये देख लें आप बहुत अच्छा क्लीन ये हो गया और अब मैं इसको रख दिया मैंने यहाँ पर बास्केट में ताकि हवा लगती रहे और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें से निकल जाए और वह सारा प्लेट में जमा हो जाए। ये देखें चर्बी के कुछ जो पीसीज हैं ना ये मैंने रहने दिए और कितने वो सफ़ेद और नीट हो गए। इसी चर्बी डिज़ोल्व होगी और उसी में ये पकेगा और इसको जो नमकीन गोश्त होता है ना उसको ज़्यादा भूनना नहीं है। बस ये जब ड्राई हो जाए मतलब कि प्रेशर दें आप इसको। मैंने कल तो वैसे प्रेशर के बगैर परसों सॉरी बनाया था लेकिन अब आज मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ वो ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर इसको ना प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट है कुटी लाल मिर्च है सॉल्ट है गरम मसाला साबित डाला मैंने थोड़ी सी अजवाइन और कलवंजी डाली है। उसके बाद मैं इसमें दरमियाना सा पानी डालूंगी और इसको प्रेशर पे रख दूंगी और ये अच्छे से जो है ना बन जाएगा। और इसको हल्का सा जब मैं खोलूंगी पानी ड्राई हो जाएगा तो उसी चर्बी में हल्का सा भूनूंगी ज़्यादा नहीं भूनना अदरवाइज़ ये बहुत स्टिफ हो जाएगा। तो बस मैं अब इसको जो है रखने लगी और इसके साथ देखें क्या चीज़ बनाते हैं मे बी राइस मैं कोई बना लूँ या फिर रोटी या बाहर से कोई नान वगैरह ले लेंगे। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक थी आज की मेरी ये कैजुअल डे की इवेंट के एंड के बाद की रूटीन। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी। हंसते रहें मुस्कुराते रहें दुआओं में याद रखें अल्लाह।